हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन का कॉलर स्क्रीन कैसे चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल यूनिक और न्यू कॉलर स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मेरे इसकी फोन की स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर कॉल लॉक का जो सिस्टम है कितना प्यारा आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको टेलर पैड भी बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। सब बताऊंगा इस वीडियो में, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। और इसका कॉलर स्क्रीन तो बहुत ही कमाल का है, जो आपने वीडियो के इंट्रो के पार्ट में देखा हुआ दोस्तों। सारा कुछ एक्सपोज करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने किसी भी फोन का कॉलर स्क्रीन और डायलर पैड कस्टमाइज करके काफी यूनिक लुक का बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, सब आपको फुल डिटेल में समझाने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर, वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हाई टेक फोन डायलर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बड़े इजी तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए किस तरीके से आपको अपने फोन के ऊपर से अप्लाई करना है। तो मैंने अपने फोन के अंदर कर लिया इंस्टॉल, तो अब मैं इसको करता हूं ओपन। ठीक है, तो मैंने अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो आपका नॉर्मल डायलर है उसको यहां से क्लिक करना है और उसको हटा देना है। ठीक है, और यहां से आपने जो डाउनलोड किया इस डायलर को अपने मेन डायलर पे सेट कर लेना है। देन उसके बाद यहां से इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो परमिशन मैं आपको बता रहा हूं, बस वही सेम टू सेम आपको अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है। ये आपके फोन में 100% वर्किंग करेगा। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ परमिशन आएंगी, तो इन परमिशनों को आपको सेट करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आपको सेट करना है और यहाँ से आपको फोन डायलर पर सेलेक्ट करना है और सेट अगर डिफॉल्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी परमिशन अप्लाई हो जाएगी, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देन ये आपके फोन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये वाला डायलर आप देख सकते हो बिल्कुल यूनिक लग रहा है आपके फोन में। पहले आपका फोन का डायलर कैसा था, अब देख सकते हैं आप कैसा हो चुका है। ऐसे ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो जाएगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसलिए क्लिक नहीं कर रहा हूँ, उसमें नंबर थोड़े सो होते हैं तो वो प्राइवेसी के चक्कर में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी थीम वगैरह को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। थोड़े बहुत ऐड आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटे मोटे ऐड होंगे, ज़्यादा कोई ऐड नहीं है, सिर्फ वो ऐप खोलने पर दिखते हैं, कॉल आने पर कुछ नहीं दिखता आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थीम वगैरह के कलर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। जो दोस्तों सब बहुत चीज़ें इसमें कस्टमाइजेशन है, अगर आप करने बैठोगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे बैकग्राउंड वॉलपेपर हैं, और ये सारे 101 धांसू वॉलपेपर हैं, और कम से कम 100 से ज़्यादा यहाँ पर ये वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो कितने हैं, 116 वॉलपेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी यूनिक तरीके से आपके पावर हीरोज़ के भी इसमें वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लॉक नंबर की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, सब चीज़ यहाँ से आप जब कस्टमाइज करने बैठोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैं अगर कस्टमाइज करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ लीजिए आपके फोन में वर्क करेगा, कस्टमाइज आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, और इस तरीके का आपका ये डायलर पैड आपको देखने को मिलेगा, ये भी कस्टमाइज हो जाता है। मैं आपको कॉलिंग स्क्रीन इसकी दिखा देता हूँ, किस तरीके से कॉल आपको दिखेगा जब कॉलिंग स्क्रीन पर आएगा। वो ऑटोमेटिक ही कॉलर स्क्रीन यहाँ पर सेट है इसका। ठीक है, तो आप देखना मैं कॉल करूंगा और कितना प्यारा यहाँ पर कॉलर स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपने फोन के ऊपर फोन किया है, ये मैं इस वाले फोन पे, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पर आपको कॉलर स्क्रीन देखने को मिल रहा है। और आप इसको चेंज भी करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आपको फोन पिक करने का ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ से आपको कट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ऊपर अगर आप कोई फोटो अगर सेट करते हो तो यहाँ पर आपको फोटो भी उसकी शो होगी, और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको डिजाइन दिख रहा है। और भी अच्छा डिजाइन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर जाके। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, इसी तरह की वीडियोस देखने के चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।